हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आज मैं फिर आप सबके लिए एक अलग और न्यू सी रेसिपी लेकर आ गई हूं, जो कि है बिरयानी रेसिपी। आप सोच रहे होंगे कि मैं ज़्यादा बिरयानी रेसिपी ही लेकर आती हूं, तो आज मैंने बहुत ही खास और स्पेशल बिरयानी बनाई है और बहुत ही इजी तरीके से बनाई है। तो चलिए मेरे साथ किचन में और देखिए कि मैंने इसे कैसे बनाया है। तो चलिए चलते हैं किचन में। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास चिकन है, जो कि मैंने रात में सालन बनाया हुआ था उसमें से बचा हुआ है। मैंने कोई स्पेशल चिकन नहीं लिया है, बचे हुए सालन से मैं आज आप सबको बिरयानी बनाना बताऊंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेवी ज़्यादा है और चिकन कम है, फिर भी मैं बहुत ही सुपर टेस्टी बिरयानी इससे बना के रेडी करूँगी। आप देख सकते हैं अगर आपका सालन ज़्यादा गला हुआ है तो बोटियों को बाहर निकाल लें और इसी ग्रेवी में आप अपने राइस को बना के तैयार करें। अगर आपकी बोटियाँ गली ज़्यादा नहीं हैं तो उसमें ही रहने दें। मेरी बोटियाँ सही हैं, मैंने इसमें चावल को ऐड किया है। चावल मेरा 1 कप है, आप अपने चिकन के हिसाब से इसमें चावल को ऐड कर सकते हैं। मेरा चिकन कम था इसलिए मैंने इसमें चावल को कम ऐड किया है। 1/2 चम्मच इसमें नमक डालेंगे, क्योंकि चिकन में पहले से नमक डला हुआ है। इसमें थोड़े से खड़े साबुत मसाले डालेंगे ताकि इसका फ्लेवर बहुत टेस्टी आए और ये बिरयानी की तरह बिल्कुल टेस्ट आए। आप देख सकते हैं फ्लेम को मैंने लो रखा है और चावल को मैंने 1/2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच बिरयानी मसाला। मैंने यहाँ पे बिरयानी मसाला लिया हुआ है, जिसे 1 चम्मच मैं ऐड करूँगी और इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अगर आपको बिरयानी मसाला पसंद ना हो तो इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन बिरयानी मसाला ऐड करने से बिरयानी हमारी बहुत टेस्टी बनती है। ये चिकन बिरयानी मसाला है, अगर आप मटन बना रहे हैं तो मटन बिरयानी मसाला को ऐड करें। इसमें थोड़े से खड़े साबुत मसाले को ऐड करेंगे ताकि इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आए। आप देख सकते हैं मैंने इसमें कोई भी ऑयल वगैरह का घी का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। जो मेरे चिकन में ग्रेवी थी, ऑयल था, उसी से मैंने इसे बना के रेडी किया हुआ है। चावल को हम 1 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे ताकि चावल हमारा परफेक्ट तरीके से भुन जाए और ग्रेवी चावल में अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके। बराबर से मिक्स करते हुए लो फ्लेम पर हम इसे 1 मिनट तक भूनेंगे। आप देख सकते हैं राइस हमारा अच्छे से भुन चुका है। इसमें कटे हुए कोरिएंडर को थोड़ा सा ऐड करेंगे ताकि इसमें खुशबू अच्छी आ सके। इसमें 1 कप मैंने गर्म पानी का यूज़ किया हुआ है, 1 कप मेरा चावल है, मैंने बासमती राइस यहाँ पे लिया हुआ है, तो 1 कप ही पानी मैं ऐड कर रही। अगर आप घर के चावल से बना रहे हैं जो विंटर में छोटे दाने के आते हैं तो उसमें ज़्यादा पानी को आप ऐड करें। मैंने यहाँ बासमती राइस लिया हुआ है तो मैंने 1 कप पानी को ऐड किया। इसे बराबर से मिक्स करते हुए क्लोज लिड के साथ हम 2 सीटी आने तक कुक कर लेंगे ताकि चावल भी अच्छे से गल जाए और बिरयानी भी हमारी परफेक्ट तरीके से तैयार हो। फ्रेंड्स, अगर आपके घर में भी चिकन, मटन या पनीर या मिक्स वेज सब्जी जो बनाते हैं हम, अगर बच जाती है रात का सालन, अगर आपके घर में भी बच जाता है तो बिल्कुल उसे वेस्ट ना करें। उससे आप वेज बिरयानी भी बना सकते हैं, मटन चिकन बिरयानी भी बना सकते हैं, या न्यू रेसिपी भी कोई आप ट्राई कर सकते हैं, ईजिली उसे बना सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत करके अलग रेसिपी बना के आप अपने फैमिली को एंजॉय करा सकते हैं। अगर रात के बचे हुए सालन को हम खाने को दें तो सब बासी करके नहीं खाते, तो क्यों ना हम उसे कुछ अलग तरीके से ट्राई करें और न्यू रेसिपी बनाएं और फैमिली के साथ एंजॉय करें। और रेसिपी को हम वेस्ट करने से भी बचा सकते हैं, जो रात का बचा हुआ सालन होता है। आप देख सकते हैं बिरयानी में मेरे 2 सीटी आ चुका है, मैंने इसे ओपन कर दिया है। फ्रेंड्स, इस बिरयानी को मैंने गार्निश करने के लिए उबले हुए थोड़े से मटर, फ्रेश कोरिएंडर, ग्रीन चिली और कटे हुए टमाटर को मैंने लिया है। इससे इसको सजा देंगे ताकि इसका लुक बहुत यम्मी दिखे और ये बहुत सुपर टेस्टी बन के तैयार हो। फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे बिरयानी बनाएंगे तो शायद इतनी टेस्टी ना होगी जो ये बिरयानी सुपर टेस्टी लगती है। तो एक बार अपने बचे हुए सालन से सुपर टेस्टी बिरयानी बना के ज़रूर ट्राई करिए। आप एक बार अगर बना लिए ना तो बार बार बनाना चाहेंगे, ये बहुत ज़बरदस्त बनती है और झटपट से भी बन जाती है। अगर आपके घर में भी सालन रात में बच जाता है तो इससे आप एक न्यू रेसिपी का लुक दे सकते हैं। फ्रेंड्स, इसे क्लोज लिड के साथ मैं 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख दूंगी ताकि इसका जो फ्लेवर है अच्छे से बिरयानी में आ सके। उसके बाद मैं प्लेटिंग करके आपको दिखाती हूँ कि बिरयानी हमारी कैसी रेडी हुई है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के घंटी को पुश करके ऑल पे करिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। आप देख सकते हैं मैंने इसके लिड को क्लोज कर दिया है। अगर आज की मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपने कभी इस ट्रिक को अपनाया है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर कभी नहीं अपनाया तो एक बार ज़रूर ट्राई करिए।
फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बिरयानी बहुत ज़बरदस्त दिख रही है, सुपर टेस्टी बिरयानी लग रहा है ना कि स्पेशल मैंने बिरयानी बनाया हुआ है। इसे मैं एक चम्मच की मदद से आपको चला के दिखा रही कि ये कितनी खिली खिली सी बनी है, सुपर टेस्टी बिरयानी। अगर आप भी ऐसे इसी ट्रिक के साथ बनाना चाहते हैं तो मेरे रेसिपी को फुल वॉच करिए और इस ट्रिक को आप भी अपनाइए। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने इसे प्लेटिंग कर दिया है, ये बहुत टेस्टी बनी है और देखने में भी बहुत यम्मी दिख रही है। तो आप भी बचे हुए सालन से इतना ही सुपर टेस्टी बिरयानी बनाना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को फुल वॉच करिए और इस ट्रिक के साथ एक बार ज़रूर ट्राई करिए। बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी आप भी इसी ट्रिक के साथ बिरयानी को बना सकते हैं। आप देख सकते हैं ये बहुत यम्मी दिख रही है और बहुत झटपट से बन गई है। तो फ्रेंड्स सालन वेस्ट होने से बच गया ना, तो इस ट्रिक को ज़रूर अपनाइए और बच्चों को एक न्यू रेसिपी आप भी इंजॉय कराइए। फ्रेंड्स अगर आज की मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।